हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम ट्वेंटी सेवंथ अप्रिल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन जॉइन आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है जयशंकर टिक्स ऑफ यूरोप यूक्रेन अ वेकअप कॉल टू लुक एट प्रॉब्लम्स इन एशिया अब यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस की वजह से यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ये बात पता है कि ये सब कुछ उनके नेबरहुड में हो रहा है जिसकी वजह से लॉन्गर टर्म में उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा जब सेम सिचुएशन एशिया में थी जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हो गया इसके अलावा चाइना के साथ गलवान में स्टैंड ऑफ चल रहा था तब यहाँ पर यूरोपियन कमीशन नहीं बात करता था कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए और यहाँ पर जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं उनका यहाँ पर वॉयलेसन हो रहा है क्योंकि यूरोपियन यूनियन को ये बात पता थी कि इससे उनके ऊपर कोई डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा एशिया में कुछ भी हो रहा है उससे वो डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं होने वाले हैं तो यही बात यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कही है कि अगर वो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन बात करता है रूल्स बेस्ड ऑर्डर की तो वो सारी बातें अप्लीकेबल होती है एशिया में भी तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ट्यूजडे पॉइंटेड टू चैलेंजेस इन एशिया एंड इन इंडिया नेबरहुड इन अफगानिस्तान एंड फ्रॉम चाइना और बेसिकली यहाँ पर यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई थी उनका यही कहना है कि बूचा में जो किलिंग्स हैं वो से इंटरनेशनल लॉ का और यहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में आकर रशिया को कंडेम करना चाहिए तो वी इन एशिया फेस आर ओन सेट्स ऑफ चैलेंजेस और वो भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर के ऊपर ही एक इम्पैक्ट है लेकिन तब यहाँ पर यूरोपियन कमीशन क्यों नहीं बोलता है तो इफ़ आई वॉट टू पुट दोज वेरी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर जब चैलेंज में था एशिया में तो एडवाइस हमें यूरोप से क्या मिलती है कि और ज़्यादा ट्रेड करो तो एटलीस्ट हम यहाँ पर यूरोप को कोई एडवाइस तो नहीं दे रहे हैं जब यहाँ पर यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस चल रही है एंड एन अफगानिस्तान प्लीज़ शो मी विच पार्ट ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर जस्टिफाइड वॉर द वर्ड डिड देयर दिस कुड भी अ वेकअप कॉल फॉर यूरोप कि सिर्फ यूरोप में ही जब यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर को अंडरमाइन किया जाएगा तभी आपको नहीं बोलना है दुनिया में कहीं भी रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को अगर अंडरमाइन किया जाएगा तो आपको अपनी आवाज़ उठानी है तो इट कुड भी अ वेकअप कॉल फॉर यूरोप टू ऑल्सो लुक एट एशिया और एशिया में ही बेसिकली ज़्यादातर कंट्रीज़ में यहाँ पर बाउंड्रीज जो हैं सेटल नहीं हुई हैं और हर जगह आपको बाउंड्री डिस्प्यूट मिल जाएगा एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेर बाउंड्रीज हैटल्ड वेयर टेररिज्म इज स्टिल प्रैक्टिस और यहाँ तक कि एशिया में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर द रूल्स बेस्ड ऑर्डर हैज़ बीन अंडर कंटिन्यूस स्ट्रेस फॉर मोर देन अ डेकेड और यूरोपियन यूनियन में तो अभी इंपैक्ट होना शुरू हुआ है अभी प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं लेकिन एशिया में तो बहुत पहले से इन सब वजहों के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड आई थिंक इट्स इम्पॉटेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड एशिया टू रिकॉग्नाइज दिस इट्स नॉट दैट प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू हैपन द प्रॉब्लम्स हैव बीन हैपनिंग हम कब से पाकिस्तान जो यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेर्रिज्म करता है हम कब से उसको झेल रहे हैं आगे हम चलते हैं यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ है वैक्सीन के बारे में ड्रग रेगुलेटर क्लियर्स कोवैक्सीन फॉर सिक्स टू ट्व ईय कोर्बोवैक्स फॉर फाइव टू ट्वेल्व ईयर्स तो, तो यहाँ पर जो डी सी जी आई है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट कर दिया है भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को, को छः से बारह साल के लिए और बायोलॉजिकल ई की कोर्बोवैक्स को पाँच से बारह साल के लिए अब यहाँ पर यूएस में देखा गया कि यू एस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने रिकमेंड किया है कि जो भी पाँच साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जानी चाहिए क्योंकि अगर उनको कोविड की वजह से उनको कोविड हो रहा है तो उनमें देखा जा रहा है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन तो एम आई एस सी देखा जा रहा है ये कंडीशन बेसिकली ये है जिसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं लेकिन अगर यहाँ पर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड है तो ये सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही तो एम आई एस सी क्या है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेट्री सिंड्रोम इन चिल्ड्रन अ कंडीशन एसोसिएटेड विद कोविड नाइन्टीन वे डिफरेंट पार्ट बॉडी पार्ट्स गेट इन्फ्लेम्ड अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं न्यू कोऑपरेटिव पॉलिसी तो यहाँ पर स्टेट्स ने कुछ सजेशन दिए हैं अभी कोई कोऑपरेटिव पॉलिसी आई नहीं है सिर्फ यहाँ पर सजेशन लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर दो सजेशन तो ये मिले हैं जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव सोसाइटी है उसमें यहाँ पर एफ को अलाउ किया जाना चाहिए तो अलाउ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द काऑपरेटिव सेक्टर पर्टिकुलरली इन पी इसके अलावा जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके ऊपर एक अपर एज लिमिट लगा दो कि सत्तर साल से जो है उससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए तो फिक्स एन अपर एज लिमिट ऑफ़ सेवेंटी ईयर्स फॉर बोर्ड मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इसके अलावा कुछ स्टेट्स ने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड होना चाहिए फॉर द कोऑपरेटिव सेक्टर और भी यहाँ पर कुछ सजेशन्स हैं तो ये मैंने आपको बता दिया एज बार का एक सजेशन है कि यहाँ पर सेवेंटी ईयर्स एज बार होनी चाहिए फिर जो पी ए सी एस हैं उनको यहाँ पर लिंक कर देना चाहिए मार्केट के साथ तो सहकार से बाजार तो कोऑपरेटिव टू मार्केट यहाँ पर लिंकेज होना चाहिए बस बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जब यहाँ पर कोऑपरेटिव पॉलिसी आ जाएगी तब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर देंगे कि कोऑपरेटिव पॉलिसी का क्या कहना है अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे तो श्री नारायण गुरु ने इस्टाब्लिश किया था शिवागरी मठ एट वारकला इन केरला तो शिवागिरी मठ एड वारकला इन केरला इस्टब्लिश किया था श्री नारायण गुरु ने तो पीएम वाज वॉज द ईयर लॉन् जॉइंट सेलिब्रेशंस ऑफ नाइन्टी एनिवर्सरी ऑफ शिवागिरी पिलग्रमेज एंड गोल्डन जुबली ऑफ़ ब्रह्म विद्यालय तो शिवागिरी आपको पता होना चाहिए किसने इस्टाब्लिश किया था तो श्री नारायण गुरु ने और बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं अब हम आगे चलते हैं सी ए ए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो बेसिकली जो सी ए है वो बात करता है सिटीजनशिप देने की हिंदू को सिख्स को बुद्धिस्ट को जैन को पारसीस को क्रिश्चन्स को कौन से तीन कंट्री से अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान ठीक है और जब यहाँ पर सीए आया था तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले थे क्योंकि ऐसा डर था कि सीए के बाद गवर्नमेंट यहाँ पर एनआरसी करेगी और एनआरसी करेगी जब गवर्नमेंट यहाँ पर तो मुस्लिम्स जो है उनको सिटीजनशिप से डिप्राइव कर देगी तो इट वाज परसीव्ड एज एन तो अटेम्प्ट टू डिप्राइव मुस्लिम्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप तो यहाँ पर एक्ट तो बहुत पहले ही बन गया लेकिन अभी तक एक्ट को लेकर रूल्स का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो नोटिफिकेशन ऑफ इट्स रूल्स विदाउट विच द लॉ कॉन्ट बी इंप्लीमेंटेड कंटिन्यूज टू बी पेंडिंग अब सी ए ए कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा तो सिक्सथ शेड्यूल के एरियाज में सी एप्लीकेबल नहीं होगा और जहाँ पर इनर लाइन परमिट है वहाँ पर सी ए अप्लीकेबल नहीं होगा तो एनुअल रिपोर्ट हैज़ अटेम्प्टेड टू वंस अगेन एल एफियर इन द नॉर्थ ईस्ट ओवर द लेजिस्लेशन सेइंग दैट द एक्सक्लूजन ऑफ एरियाज अंडर द दिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जहां पर आई एल पी है वहाँ पर, तो पर, पर भी यहाँ पर सी ए एप्लीकेबल नहीं होगा पर यहाँ पर इंडियन सिटीजन्स को डिप्राइव करने की तो बात ही नहीं आती क्योंकि जो सी ए है वो तो इंडियन सिटीजनस के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं वो तो बेसिकली यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा तो देर फोर इट डज़ नॉट इन एनी वे टेक अवे और एवरिज द राइट्स ऑफ एनी इंडियन सिटीज़न फर्दर द प्रेजेंट लीगल प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप जो यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव के अंदर सिटीजनशिप अक्वायर की जा सकती है वो सारा प्रोसेस तो अभी भी वैलिड है तो उसके तहत भी यहाँ पर सिटीजनशिप ली ही जा सकती है आगे हम चलते हैं एमपी कोटा फॉर केवी एडमिशंस स्क्रैप्ड तो ये हमने डिस्कस किया था कि केवी का जो कोटा दिया गया है एमपी को उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन अब यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया है तो सेंटर हैज स्क्रैप्ड द कोटा थ्रू विच मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कोड रिकमेंड नेम्स फॉर एडमिशन इन के इसके अलावा जो स्पेशल प्रोविजन थे फॉर ग्रांटिंग एडमिशन टू चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री एम्प्लाइज इसके अलावा चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ग्रांड चिल्ड्रन ऑफ एम इसके अलावा सर्विंग और रिटायर्ड के वी ये भी स्क्रैप कर दिया गया है तो यहाँ पर ये यह दोनों ही कोटा यहाँ पर हटा दिए गए हैं आगे चलते हैं यू एन जी ए अडोप्ट वीटो रेजोल्यूशन इंडिया यूज़ लैक ऑफ इंक्लूसिविटी अब यहाँ पर क्या रेजोल्यूशन है तो रेजोल्यूशन ये है स्टैंडिंग मैंडेट फॉर अ जनरल असेंबली डिबेट वन अ वीटो इज कास्ट इन द सिक्योरिटी काउंसिल अब सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई भी यहाँ पर एक ही भी कंट्री अगर वीटो कर देता है तो उसके बाद यहाँ पर यू एन जी ए में डिबेट होगी तो इसी को लेकर यहाँ पर कंसेंसस था और इसी रिजोल्यूशन को यहाँ पर अप्रूव किया गया है तो एज द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड बाय कंसेंसस अ रेजोल्यूशन दैट रिक्वायर्स द 193 मेंबर बॉडी टू कन्वीन वैन अ वीटो इज कास्ट तो यहाँ पर किसी भी मैटर के ऊपर डिबेट है लेकिन अगर कोई भी यहाँ पर पांचों परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई भी यहाँ पर वीटो कर देता है तो उसके बाद यहाँ पर यू में उस मैटर को लेकर डिबेट होगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो रशिया था रशिया में ये जो यूक्रेन की क्राइसिस चल रही थी तो रशिया को कंडेम करने की जहां पर भी बात आती है रशिया क्या करता रशिया उस प्रपोजल को वीटो कर देता और वो प्रपोजल पूरी तरीके से खत्म हो जाता तो उसके बाद यू एन की एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई तो ऐसी सिचुएशन आए कि यहाँ पर कोई कंट्री जो हो वीटो कर दे और उसके बाद एमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़े इसीलिए ये प्रपोजल लेकर आया गया है कि यू एन की अपने आप ही मीटिंग हो जाएगी अगर यू एन में किसी भी प्रपोजल को कोई भी कंट्री वीटो कर देता है तो एज द यू एन जनरल अमेम्बली अडोप्टड बाई कन्सर रूशन दट रिक्वर्स नाइनटी थ्री बॉडी टू कन्वीन अ वीटो इज कास्ट

यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है कैलिब्रेट द रेट तो यहाँ पर बस बस मुझे आपको ये बताना है कि जी को हेड कौन कर रहा है तो इन सितंबर लास्ट ईयर जी एस टी काउंसिल्ड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और यहाँ पर देखना था कि ये जो जी का रेट है उसको कैसे सिम्प्लीफाई किया जाए कैसे रैशनलाइज किया जाए तो उस जी को हेड कर रहे हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बम्बई जो कि एग्जामिन करेंगे इशू जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है इसके अलावा जो पाँच जिसके ऊपर जी लगता है इसके अलावा जीरो लगता है तो ये सारी लिस्ट को रिव्यू किया जाएगा जब यहाँ पर रिव्यू के बाद रिपोर्ट आ जाएगी तब हम डिस्कस कर लेंगे हु इज़ वी सी तो कल मैंने आपको बताया था तमिलनाडु ने यहाँ पर दो बिल्स अडॉप्ट किए हैं जिसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में वी सी को अपॉइंट करने की वाइस चांसलर्स को अपॉइंट करने की इससे पहले ही जो पावर होती थी गवर्नर के पास होती थी तो स्टेट गवर्नमेंट विल बी दिटी हेंस वो दैट अपॉइंट्स वाइस चांसलर्स टू द थर्टीन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन तमिलनाडु तो यहाँ पर मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में चेंजेस किए गए हैं और यहाँ पर गवर्नर से रिप्लेस करके कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी वी को अभी तक गवर्नर अपॉइंट करते थे तो गवर्नर यहाँ पर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी वो यहाँ पर तीन नेम सजेस्ट करती थी गवर्नर को और गवर्नर उन तीन नेम्स में किसी को भी अपॉइंट कर सकते थे एज द वीसी लेकिन अब ये पावर जो है ये पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास आ चुकी है अब जो प्रॉब्लम क्या है जो एजुकेशन है वो है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट तो यहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट होगा तो उसको यूजीसी के रेगुलेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा तो अपॉइंटमेंट्स टू यूनिवर्सिटीज़ आर रेगुलेटेड बाय द यूजीसी एक्ट अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एनअलिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द वी ऑफ ए गुजरात अंडरलाइंस डेट द स्टेट गवर्नमेंट कांट सकमेंट यू जी इन अपॉइंटमेंट्स तो यहाँ पर यू जी सी के रेगुलेशन को फुलफिल करना पड़ेगा अगर यू के रेगुलेशन को फुलफिल नहीं किया तो जैसे कि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट है तो यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेशन ही प्रिवेल करेगा तो इन एन आइडियल सिचुएशन द गवर्नर इज़ द न्यूट्रल आर्बिटर इन द सिलेक्शन ऑफ अ वी और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इन तीनों नेम्स में से जो गवर्नर है वो कोई भी नाम को सेलेक्ट कर सकता है लेकिन अभी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गई है अब ऑथर ने बोला है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर आ गई है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की एफिशियसी बढ़ जाएगी ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट जो पावर को इंक्रोच कर रहे थे तो बस वही पावर को इंक्रोच करने से

हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है ई सी टी ए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है ई सी टी ए अब यूएस ने जब अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था फिर चाइना जो है चाइना अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान में तो बॉस्ट यूएस विड्रॉल फ्राम अफगानिस्तान फॉलोड बाई चाइना टेकिंग अ सीरियस इंटरेस्ट इन क्रिएटिंग न्यू इकोनॉमिक मिलिट्री रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट से हमें यह पता चला कि साइबर थ्रेट एक्टर्स जो है वो कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुके हैं जैसे कि एक एनोनिमस एक्टिविस्ट का ग्रुप है जिसने यहाँ पर रशिया के जो भी चैनल्स है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया था तो चाइना इज़ अक्यूज ऑफ हैविंग अमास्ट अ लार्ज नंबर ऑफ साइबर वेपन्स तो चाइना के पास भी बहुत सारे साइबर वेपन्स हैं चाइना यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का थेफ्ट करता है इन साइबर वेपन्स को यूज़ करके तो इंडिया को भी इसको लेकर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का मॉडल है वो हम यूज़ कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम इसमें कोलेबरेट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने अपने रिलेशनशिप को एलिवेट किया था टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप द न्यू साइबर फ्रेमवर्क इंक्लूड्स अ फाइव ईयर प्लान टू वर्क टुगेदर ऑन द डिजिटल इकॉनमी और जहाँ पर एनुअल इंडिया ऑस्ट्रेलिया फॉरेन मिनिस्टर साइबर फ्रेमवर्क डायलॉग होगा इसके अलावा इंटरनेशनल साइबर एंगेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई है जो कि 2017 से ही शुरू हो गई थी इंडिया हैज़ मच टू लर्न फ्रॉम ऑस्ट्रेलियाज लो की बट स्मार्ट साइबर एक्सपर्टीज ऑस्ट्रेलियन साइबर सिक्योरिटी सेंटर जो है वैसा ही हम जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से इंडिया में रेप्लीकेट कर सकते हैं तो ये सब कुछ जो है हम ऑस्ट्रेलिया से सीख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट को टैकल करने के लिए फिर यहाँ पर रैंकिंग बताई गई है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की रैंकिंग जिसमें इंडिया की पोजिशन 47 से टेंथ प्लेस पर आ गया है इंडिया तो दिस हैज अप इंडियाज़ रैंक टू टेंथ इन द्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडक्स 2020 ट्वेंटी फ्रामी जस्ट टू ईयर्स अर्लियर अब हम आगे चलते हैं पी डी एस एंड एंड ऑफ अ गोल्डन चैप्टर कोविड में सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ था थ्री पॉइंट थ्री परसेंट से बाकी पूरी इकॉनमी जो है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी फोर पॉइंट एट परसेंट से तो एग्रीकल्चर वॉज द ओनली सेक्टर टू ग्रो थ्री पॉइंट थ्री परसेंट बाकी यहाँ पर जो इकॉनमी है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी फिर यहाँ पर एन के बारे में बताया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि लीगली एंटाइटल करता है सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन और फिफ्टी परसेंट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन कि यहाँ पर ग्रेन्स दिए जाएंगे फाइव किलोग्राम ऑफ ग्रेन पर पर्सन पर मंथ और कितने रेट पर दिया जाएगा तो बेसिकली एक दो तीन रुपये पर दिया जाता है एक रुपये में कोर्स ग्रेन्स दो रुपए में बीट और तीन रुपये में राइस फिर कोविड पैंडमिक की वजह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी शुरू की गई जिसमें पाँच किलोग्राम और एक्स्ट्रा राशन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो एन एफ एस विद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हैज़ लेट टू अ जंप इन ग्रेन ऑफटेक तो इसकी वजह से जो ग्रेन का ऑफटेक बहुत ज़्यादा हुआ पी में बहुत ज़्यादा ग्रेन को बांटा गया टू पुट द नंबर्स इन कॉन्टेक्स्ट ओनली अंडफुल ऑफ स्टेट्स केरला तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश तो पहले बहुत कम स्टेट्स में पी की फंक्शनिंग अच्छी थी वर्ना ज़्यादातर स्टेट्स में यहाँ पर लीकेज होता था लेकिन अब हर स्टेट में जो है फंक्शनिंग अच्छी हो चुकी है जैसे कि यहाँ पर सारे ही स्टेट्स ने रिफॉर्म लिए जिसके बाद में यहाँ पर पीडीएस में लीकेज खत्म किया गया तो इन द लेट टू थाउजेंड छत्तीसगढ़ इनिशिएटेड रिफॉर्म्स टू कर्व डाइवर्जन लीकेजेस और यहाँ पर जो मिडल मैन है उसका पूरी तरीके से काम ख़त्म कर दिया गया तो मिडल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था डायरेक्टली यहाँ पर जो ग्रेनस है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था फिर यहाँ पर आई का यूज़ किया गया डिस्पैचज़ेस को ट्रैक करने के लिए जिसकी वजह से यहाँ पर लीकेजेस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकें तो इन सम दी डी एस डिलीवर्ड बोथ वैन एंड वेयर इट मैटर तो पी डी एस जो है बहुत अच्छी स्कीम रही है और जहाँ पर भी जरूरत हुई है पी डी एस को यूज़ किया गया है तो पी डी एस इन डीड टर्न आउट टू बी द ओनली इफेक्टिव सोशल सेफ्टी नेट ड्यूरिंग द पैंडमिक लेकिन अब ऑचर ने यह बताया कि प्रॉब्लम ये है कि इस साल जो उपज है वो थोड़ी कम हुई है जैसे कि ऑफिशियल वीट प्रोक्योरमेंट इज लाइकली टू हैव दिस टाइम फ्रॉम लास्ट ईयर्स रिकॉर्ड क्योंकि पुअर क्रॉप रहा है क्योंकि मार्च में जो टेम्परेचर था वो बढ़ गए थे दूसरी बात हमें यहाँ पर ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है इसके अलावा जो डोमेस्टिक फूड ग्रीन डिमांड है वो भी ज़्यादा है तो क्या ऐसे में जो पी है उसका यूज़ हम कर पाएंगे तो पी डी एस वॉज ओरिजनी मैंट टू प्रोटेक्ट ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइज राइस तो क्या ऐसा किया जा सकता है जब यहाँ पर ग्लोबल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है तो ये आर्टिकल एस इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन हमने यहाँ पर एन एफ एस से डिस्कस कर लिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनियोजना डिस्कस कर ली, ली ये हम डिस्कस करेंगे मॉनिट्री पॉलिसी कमेटी के मिनट्स यहाँ पर रिलीज़ किए गए हैं जिसमें ऑथर ने ये कहा है कि अभी भी इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है तो विद ऑल मेंबर्स नाउ अटैचिंग प्राइमेसी टू इन्फ्लेशन अभी इन्फ्लेशन को टारगेट तो किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन को हमें फोकस करना लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट जो यहाँ पर आर का स्टांस है वो अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस है तो मेम्बर्स हैव नाउ अटैचिंग प्राइमसी टू इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और यहाँ पर मेबर्स को ये समझ आ गया है कि ग्रोथ के ऊपर फोकस ना करके अब इन्फ्लेशन के ऊपर फोकस करना है क्योंकि यूक्रेन रशिया की क्राइसिस की वजह से जो इफ्लेशन वो आने वाले टाइम में स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बनने वाला है तो इन लार्ज पार्ट दिस शिफ्ट इन द एम पीज यूज़ इज अ रिजल्ट ऑफ द ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट लेकिन ऑथर का यह कहना है कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से इन्फ्लेशन नहीं आया इन्फ्लेशन बहुत पहले से है तो अनलाइक अर इकोमीज़ इन्फ्फलेशन इन इंडिया वॉज एलवेटेडेडेड इवन बिफोर द पेंडेमिक एंड हैज़ रिमेन्न सो जैसे कि दो हज़ार उन्नीस बीस के सेकेंड हाफ में जो इन्फ्लेशन है वो सिक्स पॉइंट टू परसेंट रहा उसके बाद फाइव पॉइंट फाइव परसेंट रहा दो हज़ार इक्कीस बाइस में तो बेसिकली यहाँ पर टारगेट से हमेशा ही हमें इन्फ्लेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है फेबररी में जस्ट बिफोर द बिगनिंग ऑफ द हॉस्टिलिटीज़ आर बी आई ने इफ्लेशन को प्रोजेक्ट किया था फोर पॉइंट फाइव परसेंट है लेकिन हमें इफ्फलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला तो इन रिसेंट टाइम्स इन्फ्लेशन हैज़ ऑफन बीन हायर देन द सेंट्रल बैंक्स एक्सपेक्टेशन तो ऑथर का यही कहना है कि आरबीआई को यहाँ पर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो जो इन्फ्लेशन वो यहाँ पर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में तब्दील हो जाएगा अब हम आगे चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट के एलाइज़ ये यूरोपियन यूनियन का यही कहना है कि ये लोग वेपन सप्लाई करेंगे यूक्रेन को जबकि यहाँ पर रशिया कह रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम समझ जाएंगे कि आप प्रॉक्सी वॉर में हो और यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर यू और उसके एलआईस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो यहाँ पर वेपन सप्लाई करते रहेंगे ऐसा यू और उसके एलईस का कहना है यहाँ पर जो जर्मनी है वो क्या दे रहा है तो जेपर्ड लाइट टैंक्स विद एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तो ये आपको पता होना चाहिए जी पी ए आर डी क्या है फिर नेटो इन अस इज एंग वॉर विद रशिया थ्रू अ प्रोक्सी एंड इज आर्मिंग द वॉर मीनस वॉर तो ये यहां पर रशिया के फॉरन मिनिस्टर का ये कहना है कि यहां पर जो नेटो है वो प्रॉक्सी वॉर में एंगेज करने की कोशिश कर रहा है कल मैंने आपको ये रीजन बताया था त्रांस त्रांस निस्त्रिया ये जो रीजन है ये है तो मोलडो का लेकिन यहाँ पर बेसिकली रशिया के सेपरेटिस्ट रहते हैं तो वे रशियन ट्रूप्स हैव अ सेपरेटिस्ट रीजन अलॉन्ग द यूक्रेनियन बॉर्डर अब हम आगे चलते हैं अस्थमा ड्रग ब्लॉक्स प्रोटीन क्रूशल टू रेप्लीकेशन ऑफ कोरोना वायरस ये जो ड्रग है इसका नाम है मोन्ते लुकास्त तो मोन्ते लुकास्ट जो है वो बेसिकली अस्थमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है लेकिन ये देखा गया है कि कोविड नाइन्टीन में भी ये ड्रग जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है अभी ड्रग काम कैसे करती है तो पहले हम देखें कि इसकी एंटी वायरल एक्टिविटी काम कैसे करती है तो जब यहाँ पर वायरस है ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है जैसे कि कोरोना वायरस तो ये एक प्रोटीन को रिलीज़ करता है एन एस पी वन तो कोरोना वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो एक प्रोटीन को रिलीज़ करता है एन एस पी वन और उसकी वजह से रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है लेकिन ये जो ड्रग है ये क्या करती है तो आई एस सी रिसर्च फाउंड डेट मॉन्टिलूकास्ट बाइन्स स्ट्रॉन्गली टू एन एस पी वन जिसकी वजह से इसकी एक्सेस ख़त्म हो जाती है राइबोसोम की और इसकी वजह से रेप्लीकेशन नहीं होता है तो आपको बस ये पता होना चाहिए एन एस पी वन क्या है प्रोटीन है जो कि यहाँ पर कोविड से इन्फेक्ट होने के बाद रिलीज़ होता है फिर बाकी यहाँ पर जो ड्रग है वो किसके लिए तो मॉन्टे लुकास्ट और ये कोविड नाइनटीन में भी इफेक्टिव पाई गई है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है वैन इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन सेल द कोरोना वायरस रिलीज द प्रोटीन कॉल्ड एन एस पी वन विच एस की टू इट्स रेप्लीकेशन तो, तो वायरल प्रोटीन जो है बाइंड कर लेता है राइबोसोम के साथ और अगर राइबोसोम के साथ ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो अपने आप ही इसका रेप्लीकेशन रुक जाएगा जो कि ये ड्रग कर रही है मस्क फ्री स्पीच आइडिया तो इलॉन मस्क ने यहाँ पर ट्विटर को बाई कर लिया है अब मस्क का ये कहना है कि मैं हूँ फ्री स्पीच एप्सोल्यूट तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से फ्री स्पीच को अलाउ करेंगे और यहाँ पर जो भी बॉथ्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे आईडीज़ को वेरीफाई किया जाएगा और जो भी यहाँ पर सोर्स होगा वो यहाँ पर ओपन सोर्स होगा कि सबको पता होगी कि ट्विटर किस एल्गोरिथम से काम कर रहा है कि कोई अगर ट्वीट ट्रेंड कर रहा है तो वो कैसे ट्रेंड कर रहा है किसी को अगर यहाँ पर ब्लू टिक दिया गया है तो वो कैसे दिया गया है तो बेसिकली सारा कुछ यहाँ पर ओपन सोर्स होगा सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्गोरिथम कैसा है ट्विटर कैसे काम कर रहा है अब इंडिया के यहाँ पर फ्री स्पीच के ऊपर आर्टिकल्स डिस्कस कर लेते हैं तो आर्टिकल नाइनटीन वन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सारे ही सिटीजन को राइट right देता है राइट टू फ्रीडम ऑफ़ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो कर्ब्स लगा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरन स्टेट्स पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी और मोरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प ऑफ कोर्ट डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस तो ये सारे रीजनस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर कब्ब लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा डू एनी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई स्पेसिफिकली टू कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया तो हाँ है सेक्शन सिक्सटी नाइन ए ऑफ द आई टी एक्ट दो हज़ार में यहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर है कि गवर्मेंट यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरमीडिएस को बोल सकती है कि, कि किसी भी कॉन्टेंट को हटाने के लिए अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये लॉ को वायोलेट करता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायोलेट करता है तो यहाँ पर जो गवर्मेंट है वो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को बोल सकती है उस कॉन्टेंट को टेकडाउन करने के लिए अगर उस कंटेंट को टेक डाउन नहीं करती है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी तो बेसिकली उसको जेल टर्म भी हो सकता है तो दिस सेक्शन गिव्स द मिनिस्ट्री द पावर टू इशू इमरजेंसी ऑर्डर्स विच हैव टू बी फॉलोड एज एंड वैन दे आर इशूड तो यहाँ पर तुरंत फॉलो करना होता है बाद में चाहे तो वो जाकर बाद में कोर्ट में जा सकते हैं उस मैटर को लेकर लेकिन जब यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑर्डर आया तब उस कंटेंट को टेक डाउन करना ज़रूरी है एंड विच कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ओनली आफ्टर द इंटरमीडियरी हैज़ डन एज रिक्वेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री और अगर नॉन कंप्लाइंस होगा तो जिसकी वजह से जेल टर्म भी हो सकता है फिर गवर्नमेंट यहाँ पर लेकर आई आईटी रूल्स तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जिसमें ड्यू डिलीजेंस इंटरमीडियरीज को बोला गया कि आपको यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस ज़रूरी है कि जो भी देखो कि सिग्निफिकेंट जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कंपनी है उनको यहाँ पर ड्यू डिलीजेंस देखने की ज़रूरत है जो भी कॉन्टेंट उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्ट होता है अगर वो ऐसा नहीं करें जैसे कि यहाँ पर ट्विटर ने एक दो बार कंटेंट को टेक डाउन करने से मना कर दिया तो यहाँ पर गवर्नमेंट का यही कहना है कि अगर ट्विटर ऐसा करेगा तो ट्विटर का जो इंटरमीडियरी स्टेटस है वो ले लिया जाएगा अगर ट्विटर का इंटरमीडियरी स्टेटस ले लिया तो उससे क्या इंपैक्ट होगा तो उससे ये इंपैक्ट होगा कि कोई भी थर्ड पार्टी अगर कुछ भी यहाँ पर ट्विटर के ऊपर कॉन्टेंट लिखती है तो उसके लिए ट्विटर लाइब होगा तो इन जून पे ट्विटर ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन द कंप्लाइंस द गवर्मेंट वॉन्ट दैट इट कुड डूज इट्स इंटरमीडियरी स्टेटस फॉर नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ द लैंड विच वुड मीन दट इट कुड कु हेल्ड अकाउंटेबल फॉर थर्ड पार्टी स्पीच पोस्टेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म तो इसके बाद थर्ड पार्टी अगर कुछ भी पोस्ट करेगी तो उसके लिए ट्विटर लाइवल होगा अगर किसी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनी का इंटरमीडियरी स्टेटस ले लिया गया है बाकी यही बताया है इलॉन मस्क ने कि ट्विटर की अलगोरथम को यहाँ पर ओपन सोर्स मॉडल कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो कोड होगा सबको पता होगा कि ट्विटर कैसे काम कर रहा है ट्विटर की अलगोरिथम किस कोड के ऊपर काम कर रही है और यहाँ पर जो बॉट्स उनको हटा दिया जाएगा यहाँ से गिलियन बैर सिंड्रोम ये सिंड्रोम क्या है बेसिकली इसमें ये होता है जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के ही नर्व को अटैक करना शुरू कर देता है तो जी बी एस कॉजिज द इम्यून सिस्टम टू अटैक पार्ट ऑफ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तो ऐसा देखा गया कि कोविड वैक्सीन लगवाने से कुछ लोगों में ये गिलियन बैर सिंड्रोम हो गया है तो अलाज स्टडी विथ थ्री कोविड नाइन्टीन वैक्सीन इन यूज इन द यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी वजह से इंक्रीज रिस्क हो गया है जी का जी बी एस कंटेजियस नहीं होती है और किसी भी एज के ऊपर स्ट्राइक कर सकती है मेनली ये ओल्डर पीपल में ज़्यादा देखा गया है आगे हम चलते हैं इकॉनमी पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है तो यहाँ पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे